वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ आपको टिप्स बता रहा हूं जिनका इस्तेमाल करके आप ये जान सकते हैं कि जिन वस्तुओं का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्योर है या मिलावटी। देखिए, किसी भी कुकिंग की शुरुआत होती है हमेशा तेल से। अब ये जो तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये प्योर है या इसमें मिलावट की गई है, ये कैसे जान सकते हैं? बहुत आसान सा तरीका है। एक कांच का बर्तन ले लें, उसमें एक चम्मच आप तेल डालें, जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं वो तेल एक चम्मच डालें, और नमक का तेजाब HCl, जिससे नॉर्मली टॉयलेट साफ करने के लिए जो मिलता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी केमिस्ट शॉप पर आपको आसानी से मिल जाएगा, तो एक चम्मच HCl डाल दें उसमें, और इसके बाद कुछ दाने शक्कर के डाल दें उसमें। अगर तेल का बिल्कुल कलर चेंज नहीं होता है तो बेफिक्र होके आप उस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इस मिक्सचर का कलर चेंज होने लगता है और टूवर्ड्स रेड होने लगता है तो समझ लीजिए कि आपके तेल में मिलावट है और उस तेल का, उस ब्रांड का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह से हींग भी काफ़ी महंगी है। अगर आप प्योर हींग लेने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है और प्योर हींग आसानी से मिलती भी नहीं है, हींग में मिलावट होने लगी है। तो आप कैसे जांचें कि जो हींग का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है या नहीं? एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। एक चम्मच में थोड़ी सी हींग लीजिए आप और उसको जलाइए, गर्म कीजिए। अगर असली हींग होगी तो जैसे कपूर जलता है उसी तरह से जल जाएगी, और अगर प्रॉपरली नहीं जलती है तो आप समझ लीजिए कि जिस हींग का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली नहीं है, उसमें मिलावट की गई है। बेसन में भी एक तरह की डाई को मिक्स किया जाता है। इसको जाँचने का भी एक तरीका मैं बता देता हूँ, आसान सा तरीका है। एक आधा ग्लास आप पानी लें, उसमें एक चम्मच बेसन अच्छी तरह से घोल लें और उसके बाद इसमें थोड़ा HCl डाल दें। अगर कलर बिल्कुल चेंज नहीं होता है, 5 मिनट 10 मिनट के बाद भी कोई कलर चेंज नहीं होता, तो आप बेफिक्र होकर उस बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कलर चेंज होने लगता है, पर्पल हो जाता है, टूवर्ड्स वॉयलेट की तरफ हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि जिस बेसन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें डाई मिलाई गई है। तो बस ये आसान आसान तरीके अपनाएं और कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले ये स्वयं जांच लें कि वो प्योर है या उसमें इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप कैसे जान सकते हैं कि वो प्योर है या इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं, ये मैं आपको बताते रहूँगा आने वाले कुछ एपिसोड्स में। फिलहाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएँ और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।